नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। यूसुफ शरीफ उर्फ के जेफ बाबू अपने सरफे ख़ास खर्चे से कोलार हलके में स्कूली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप तकसीम करने का बेड़ा उठा रखा है। के जेफ बाबू का कहना है कि कोलार हलके के 20,000 बच्चों में अपने सरफे ख़ास से स्कॉलरशिप तकसीम किया जाएगा। इस सिलसिले को जारी रखते हुए इन्होंने आज यहां कोलार शहर सरकारी जूनियर गर्ल्स कॉलेज के बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम किया। लिस्ट कोटरे एल्ला मक्कले लिस्ट सिरिया कोटा एल्ला कॉर्पोरेट मर्द्रे एल्ला नानी को सरम मक्कले लेरा के एल्ला मैं यहाँ पे क्या है 20,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा हूँ और दूसरी बात क्या है 2,40,000 वोटर्स के जरिए ये कोरोना में जो तकलीफ में है उन लोगों को, ये घर के 4 आदमी हैं तो 2,000, 6 आदमी हैं तो 3,000, 10 आदमी हैं तो 5,000 रुपये तकसीम कर रहा हूँ। वो भी शुरू में हल स्टार्ट करूँगा, अगले महीने से स्टार्ट करूँगा। सर एक बात थे। इसके लिए 8 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के लिए 8 करोड़ रुपये होते सालाना, और ये कोरोना में जो तकलीफ में है जो परेशान है लोग उन लोगों के लिए 2,40,000 आदमियों के लिए 12 करोड़ रुपये उसके होते हैं हर साल देते हर साल, तो करीब 20 करोड़ रुपया सालाना लगता है। और ये 5 साल का मैं प्रोजेक्ट रखा हूँ, इसके लिए 100 करोड़ के खर्च करने का इरादा रखा। सर ये इतनी बड़ी रकम सिर्फ आप जो है तलबा के लिए यानी स्टूडेंट के लिए ही खर्च कर रहे हैं और बच्चों की तालीम के लिए बुक का और स्कॉलरशिप का आपको जो अपने सर पर खास खर्चा पर जो है इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी, क्या वजह सर, क्या शौक है आपकी? शौक कुछ नहीं है, मेरे भाइयाँ हैं, मेरे भाना ये गाँव के, ये एमटी में पैदा हुआ हूँ, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को और मेरे बुजुर्गों को ये खिदमत कर रहा हूँ। ये एक बतौर खिदमत एक तोहफा है, ऐसा कुछ इसमें से दूसरा इरादा आप मत रखिए। सर आगे आप कहते हैं सियासी ख्याल रखते हैं सर, सब सोचेंगे इसके बारे में, पब्लिक डिसाइड करेगी अभी आवाम क्या फैसला देगी इस पर, हम क्या फैसला करते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर, सदा हिंद उर्दू चैनल के जरिए आप जो है जो बातें आप बताए हैं इसी के पेशेवर जो है शहर कोला जो है टीपू सुल्तान की जा है और उनके बाप दादा परदादा की जा है यहाँ पर, आपने ऐसे शहर में आकर के बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं।